साथियों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जे एल झारखण्ड लाइव्स में दोस्तों यहां पर हम लोग इस वीडियो में आज जनवरी मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप जे एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बे लाइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये यहाँ पर आज ये वीडियो जो है वो पार्ट वन है एक पार्ट में और आएगी जिसमें कि जनवरी मंथ के जो झारखंड के करंट अफेयर्स होंगे वो पूरे हो जाएंगे तो अब यहाँ पर जेपीएससी की भी विज्ञापन आ चुकी है तो अब आप अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए अब यहाँ पर जो है मई में जो एक्सपेक्टेड है पी की वो एग्जाम की आ, डेट जो है वो जारी कर दी गई है तो इसलिए आपके पास अभी से अगर देखेंगे तो लगभग तीन महीने के आसपास आपके पास समय है तो तीन महीने आप पूरी मेहनत से पढ़िए और लगन से पढ़िए और कोई भी यहाँ पर आ, मौका ना चुकी इसलिए आप अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए पढ़ाई लिखाई यहाँ पर अपना शुरू कर दीजिए दोस्तों क्योंकि ये आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा हो सकता है फिर नेक्स्ट एग्जाम अगले साल हो या ना हो ये भविष्य तय करेगा लेकिन फिलहाल यहाँ पर विज्ञापन जो जारी किया गया है उसके लिए आप पूरी मेहनत से तैयारी करिए और कोशिश करिए कि आपका जो एक सीट है वो पक्का हो जाए तो इसलिए आप आपके संसाधन आप कर, प्रयास करिए और दोस्तों, आ, की जो हमारी है, यहाँ पर बुक है उसे भी परचेज कर लीजिएगा इन वाला और हम लोगों की एक बुक आपको जनवरी से मार्च तक की भी आपको मिल जाएगी ठीक है इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है करेंट अफेयर्स के लिए करेंट अफेयर्स की बुक जो है वो फिर से हम लोग की आएगी यहाँ पर वो जनवरी से मार्च तक की आय मिल जाएगी आपको इसलिए चिंता बिल्कुल भी ना करें तो हम लोग पूरा अपडेटेड आपको करेंट अफेयर्स जो है वो उपलब्ध कराएंगे और ये जो बुक है वो मार्च में आपको यहाँ पर अप्रैल में मिल जाएगी दोस्तों एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगी ताकि आप पढ़ भी सके आसानी से तो चलिए हम लोग अलग वीडियो में सही सब सारे बातें डिस्कस करेंगे आज हम लोग यहाँ पर जनवरी मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक माइकल किंडो का निधन हो गया है वे किस खेल से संबंध रखते थे तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो माइकल किंडो का हाल ही में निधन हो गया है और वे एक हॉकी खिलाड़ी थे तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हम लोग यहाँ पर में नहीं देख रहे सिर्फ इसीलिए और आंसर देख रहे हैं रिविजन के तौर पर और फिर जब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है हमारी बुक आएगी तो आप उससे आसानी से भी इसे पढ़ सकते हैं पूरे डिटेल्स में जैसा कि हमने यहाँ पर ईयरली वाला जो बुक प्रोवाइड किया है उसमें सारे एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं आपको जनवरी से जो मार्च की बुक आएगी उसमें आपको यहां पर वो देखने को मिल जाएगी सारी चीजें यहां पर सारी क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगी अगला प्रश्न यहां पर झारखंड राज्य के कितने जिलों में को, कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन का आयोजन किया गया है तो इसका सही जो पर, is, सही आंसर आंसर पर ऑप्शन नंबर बी इज़ बिल्कुल तो झारखंड के पांच जिलों में झारखंड के पांच जिलों में ड्राई कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन का आयोजन किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहां पर झारखंड की राजधानी रांची में लाइट हाउस परियोजना के तहत कितने लाइट हाउस निर्माण किए जाएंगे तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एक हजार आठ लाइट हाउस का निर्माण किया जाएगा कितने किया जाएगा एक हजार आठ लाइट हाउस परियोजना के तहत यहां पर एक हजार आठ लाइट हाउस निर्माण किए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र का निधन हो गया है वह एक थे तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज़ बिल्कुल सही आंसर वे एक प्रोफेसर थे ठीक है प्रोफेसर थे मदन मोहन मिश्र और उनका हाल ही में निधन हो गया है अगला प्रश्न यहां पर झारखंड के रांची से लोकप्रिय टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में रांची के कौन हॉट सीट तक पहुंचे हैं तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार हैं कौन है विनोद कुमार हैं जो कि कौन बनेगा करोड़पति में रांची के हॉट सीट तक पहुंचे हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा एक सौ अठारहवीं ठीक है एक सौ अठारहवीं जयंती मनाई गई है हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा की चलिए अगले प्रश्न क्यों ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहां पर झारखंड के किस आ, सी बी आई एस पी को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये है वेरोनिका लकड़ा कौन है वेरोनिका लकड़ा है और ये सीबीआई एस पी है और झारखंड के सीबीआईपी है और इनको अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में झारखंड के रांची स्थित एस एस मेमोरियल कॉलेज के किस जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्राध्यापक को ह्यूमिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये है डॉक्टर सुभाष साहू कौन है डॉक्टर सुभाष साहू हैं और ये रांची के स्थित एस एस मेमोरियल कॉलेज के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्राध्यापक हैं और इन्हें ह्यूमनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड दो प्रदान किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में महालेखा कार्य कार्यालय में ऑडिट रूम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है ठीक है हाल ही में महालेखाकार महालेखाकार कार्यालय में ऑडिट रूम का उद्घाटन किया गया है तो यह किसके द्वारा किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ हो पर ऑप्शन नंबर सी इज़ बिल्कुल सही आंसर रहेगा तो सांसद है रांची लोकसभा क्षेत्र से सांसद है संजय सेठ और इन्हीं के द्वारा महालेखाकार कार्यालय में ऑडिट रूम का शुरुआत किया, किया गया है उद्घाटन किया गया है अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग कैलिब्रेशन लेबोरेटरी की ओर से राज्य में खाद्य प्रयोगशाला जांच पर रोक लगाई गई है एवं मान्यता रद्द कर दी गई है इसकी मुख्य वजह क्या बताई गई है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो लैब को अपग्रेड नहीं किया गया है ठीक है लैब को अपग्रेड नहीं किया गया है इसलिए झारखंड में प्रतिबंधित कर दी गई हैं जितने सारे झारखंड में प्रयोगशाला है खाद्य प्रयोगशाला है जांच पर रोक लगाई गई है तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में राज्य के चिड़ियाघर और पक्षी अभ्यारण में हाई अलर्ट जारी की गई है इन चिड़ियाघर में कौन सी वायरस फैलने के संकेत मिल रहे हैं तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो ये जो वायरस का नाम है वो है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस क्या नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि राज्य के सभी चिड़ियाघर और पक्षी अभ्यारण्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है कि ये वायरस फैल सकता है तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे तो सब्जेक्ट है कितनी भाषा अलग अलग भाषा में विषयों में यहाँ पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो कुल 22 भाषाओं में कुल 22 भाषाओं में यहां पर जो है हाल ही में लॉन्च की गई है राज्य सरकार द्वारा मरंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना जिसके तहत 22 भाषाओं में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के किस लेखिका एवं कवियत्री को तकशिला बाल साहित्य सृजन फेलोशिप अवार्ड 2020 सम्मानित किया जाएगा तो इसका सही आंसर तो 2020 से सम्मानित किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर रांची जिला प्रशासन ने आत्महत्या रोकने के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत किस संस्थान की सहयोग से शुरुआत की है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये सीआईपी है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान जो कि रांची के कांके में स्थित है तो रांची पुलिस प्रशासन ने आ, इस संस्थान के साथ आत्महत्या रोकने के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में झारखंड में किसे युवा अभियंता पुरस्कार दो से सम्मानित किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये है प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी कौन है प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार चौधरी हैं जिनको युवा अभियंता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के किस आदिवासी फोटोग्राफर के फोटो का चयन सर्वाइवल इंटरनेशनल दो कैलेंडर के लिए चयन किया गया है ठीक है सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 कैलेंडर के लिए चयन किया गया है झारखंड के किस आदिवासी फोटोग्राफर के फोटो का तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो ये है आशीष बिरूली कौन है आशीष बिरूली हैं जिनका फोटो सर्वाइवल इंटरनेशनल दो कैलेंडर के लिए चयन किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में एक जनवरी को खरसावा गोलीकांड घटना के कितने वर्ष हो गए हैं ठीक है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका राइट आंसर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो तिहत्तर वर्ष हो गए हैं खरसावा गोलीकांड घटना के तिहत्तर वर्ष हो गए हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर ग्रीस में भारत के राजदूत कौन है ग्रीस में भारत के राजदूत कौन है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमृत लगुन है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये झारखंड से बिलोंग करते हैं झारखंड के सिमडेगा से बिलोंग करते हैं और ये है अमृत लगुन तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन दो में झारखंड के किस चित्रकार की पेंटिंग का चयन किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये है महावीर महतो कौन है महावीर महतो है जिनका पेंटिंग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021 में चयन किया गया है जो कि थाईलैंड में आयोजित होने वाली है

तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है पर हाल ही में जैपवन वाहिनी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है जैपवन वाहिनी का कौन सा स्थापना ता दिवस मनाया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा एक सौ स्थापना दिवस मनाया गया है जैपवन वाहिनी का तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप डिटेल्स के लिए सारा जो है यहां पर आप डेली वाला करंट अफेयर्स वीडियो देखा करिए और वहां पर आपको सारी डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन की जाती हैं अगला प्रश्न है यहां पर हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में सरकारी योजना के क्रियान्वयन के मामले में देश भर में झारखंड का कौन सा जिला अव्वल या पहले स्थान पर रहा है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों में झारखंड सरकारी योजना के क्रियान्वयन के मामले में झारखंड का रामगढ़ जिला देश भर में पहले स्थान पर रहा है अव्वल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में रांची से किंग्स का चयन रियलिटी शो इंडियाज टैलेंट सीजन टू में चयन किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा तो ये है आरती कुमारी मिर्धा जिनका चयन इंडियाज टैलेंट सीजन टू में किया गया है जो कि एक रियलिटी शो है अगला प्रश्न है यहां पर अगला प्रश्न है यहां पर झारखंड के किस सांसद को फेम इंडिया एशिया के पच्चीस सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चुना गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो ये है निशिकांत दुबे कौन है निशिकांत दुबे हैं जिनका चयन फेम इंडिया एशिया के पच्चीस सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चयन किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहां पर झारखंड राज्य सरकार राज्य के स्कूलों के लिए पहली बार किस कक्षा से किस कक्षा तक के बच्चों के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी की है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो कक्षा एक से आठ के लिए अलग कैलेंडर जारी किया गया है और कक्षा नौ से बारहवीं के लिए अलग कैलेंडर जारी किया गया है अकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है और ये राज्य में पहली बार यहाँ पर एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इन दोनों के लिए ही अकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है अगला प्रश्न है यहां पर झारखंड के किस संस्थान को भारत में सबसे अच्छे और बेहतर वर्क प्लेस का पुरस्कार दिया गया है तो इसका सही आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये टाटा स्टील को दिया गया है तो सबसे अच्छे और बेहतर वर्क प्लेस का जो पुरस्कार दिया गया है वो टाटा स्टील को दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर रांची स्मार्ट सिटी में ड्रीवन गवर्नेंस इन लोकल बॉडीज में रांची नगर निगम का प्रेजेंटेशन देश भर में कितने स्थान पर रहा है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो पहले स्थान पर रहा है कौन से स्थान पर रहा है पहले स्थान पर रहा है प्रेजेंटेशन तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर ब्रिज भूषण मोहंती को राज्यपाल ने हाल ही में सम्मानित की है ब्रिज मोहन मोहंती किस खेल के कोच हैं तो उनको राज्यपाल द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है तो वे किस खेल से संबंध रखते हैं तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो ये एक मुक्केबाजी हैं कौन है मुक्केबाजी हैं और मुक्केबाजी खेल से संबंध रखते हैं ऑप्शन तो नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड खेल नीति 2020 के अनुसार खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ठीक है तो राज्य सरकार ने एक अवार्ड के लिए घोषणा की है और ये खेल खेल के क्षेत्र में दिया जाएगा तो ये अवार्ड कौन सा होगा तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो ये जो अवार्ड होगा वो जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड होगा कौन सा होगा जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड दिया जाएगा खेल के क्षेत्र में तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहां पर आठ जनवरी को शहीद शेख भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है तो इसका सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा एक सौ कौन सी एक सौ तिरसठवीं शहादत दिवस मनाई गई है शहीद भेख शेख से, से, भिखारी एवं टिकैत उमराव सिंह की तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर पर्यटन स्थलों पर केंद्रित पुस्तक झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल के लेखक कौन है तो हाल ही में पुस्तक लिखी गई है और ये जो पुस्तक है वो झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल के लेखक जो है कौन है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये है चंद्रभूषण कौन है चंद्रभूषण है जो कि झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल के लेखक है तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 सिटीजन फीडबैक के लिए राज्य के 42 नगर निकायों में किस ऐप के द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 किया जाना है और सभी सिटीजन की फीडबैक ली जानी है तो ये जो कार्य किया जा रहा है वो किस ऐप के माध्यम से किया जा रहा है फीडबैक किस ऐप के माध्यम से लिया जा रहा है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा तो इस ऐप का नाम है वोट फॉर माई सिटी ऐप तो इस ऐप का नाम है वोट फॉर माई सिटी ऐप क्या नाम है वोट फॉर माई सिटी ऐप और ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर जो है यहां पर हेल्पलाइन जारी किया गया है इसमें भी आप कॉल करके फीडबैक दे सकते हैं तो ये तीनों ही यहां पर माध्यम है लेकिन जो ऐप है उस ऐप का नाम है वोट फॉर माई सिटी ऐप ये पोर्टल हो गया और ये यहाँ पर जो है कॉल के माध्यम से फीडबैक दे सकते हैं तो यहां पर सही आंसर होना चाहिए था ये सभी लेकिन ऐप का जो नाम है वो है वोट फॉर माई सिटी ऐप चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना के अनुसार शहरी जलापूर्ति व्यवस्था किसे हैंड ओवर किया जाएगा अब राज्य सरकार शहरी जलापूर्ति व्यवस्था हैंड ओवर करने जा रही है तो वो किसे करेगी तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो वो अब नगर निगम को ठीक है जो शहरी जलापूर्ति व्यवस्था होगी अब वो नगर निगम के जिम्मे होगी तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अब तक जो है वो राज्य सरकार इस विभाग को संभाल रही थी लेकिन अब जो है इसे किया जा रहा है नगर निगम को चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न पर हज कमेटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये है इरफान अंसारी जमता से ये विधायक हैं और इरफान अंसारी हैं जिनको हज कमेटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पर्यटन नीति 2020 के अनुसार पर्यटन में निवेश करने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि तक सब्सिडी दी जाएगी तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका राइट right आंसर जो होगा सी इज़ बिल्कुल सही आंसर रहेगा दस करोड़ रुपये राशि तक की सब्सिडी दी जाएगी जो पर्यटन नीति दो नीति बनाई जा रही है नियम कानून बनाए जा रहे हैं पर्यटन को लेकर उसमें निवेश करने वाले निवेशकों को, को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर जो है वो सब्सिडी जो राशि दी जाएगी वो दस करोड़ रुपये राशि की सब्सिडी दी जाएगी चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से स्वर्ण रेखा सम्मिट का आयोजन किस शहर में किया गया है ठीक है समिट का आयोजन किस शहर में किया गया है स्वर्ण रेखा सम्मिट का तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो इसका आयोजन जो किया गया है वो मुंबई में किया गया है रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से स्वर्ण रेखा सम्मिट का आयोजन जो किया गया है वो मुंबई में किया गया है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है कुसुम योजना के अंतर्गत झारखंड के किसान अब सोलर फार्मिंग से उत्पादित बिजली कितने रुपये प्रति यूनिट की दर से जेवीएनएल को बेच सकेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो आप अगर आप सोलर फार्मिंग के तहत बिजली उत्पादन करते हैं तो 3.0 रुपए प्रति यूनिट की दर से जेवीएनएल को बेच सकेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन टेक फाउंडेशन की ओर से आयोजित बीसवीं ग्रीन टेक पर्यावरण अवार्ड 2020 रीसाइक्लिंग रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट की श्रेणी में किसे प्रतिष्ठित ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा जाएगा तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा बोकारो स्टील प्लांट को किस प्लांट को बोकारो स्टील प्लांट को आ, यहाँ पर रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट की श्रेणी में ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जो प्रदान किया जाएगा वो बोकारो स्टील प्लांट को किया जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आ, शाल वन की धरा से काव्य संग्रह पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है इस पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा तो ये तीनों ही हैं कौन कौन है नीलोत्पल रमेश हैं राजेश दुबे हैं और डॉक्टर हरेंद्र कुमार हैं जो कि इस पुस्तक के लेखक है काव्य संग्रह पुस्तक के लेखक हैं और इस काव्य संग्रह का नाम है शाल वन की धरा से तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में सत्रहवीं बीज परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कहाँ पर सत्रहवीं बीज परिषद की बैठक का आयोजन जो किया गया था वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में किया गया था तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर राना डॉन पर आधारित वेब सीरीज फर्रे की शूटिंग रांची के अलग अलग स्थानों पर की गई है इस फिल्म में झारखंड के कितने कलाकार शामिल हैं तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो कुल 26 झारखंड के जो है जो कुल 26 कलाकार शामिल हैं इस फिल्म में तो वेब सीरीज है एक फर्रे और इसकी शूटिंग रांची के आसपास की गई है और इसमें झारखंड के कुल कलाकार जो है वो छब्बीस हैं ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झारखंड के किस संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएसओ एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट से नवाजा है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी एम पी डी आई को किसे सी एम पी डी आई को एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट से नवाजा गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एंटी ब्राइबरी मीन्स की भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ पर इस विभाग में नहीं के बराबर हुई है तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहां पर हाल ही में ज्योति प्रकाश स्मृति रंग मित्र सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है ठीक है ज्योति प्रकाश स्मृति रंग मित्र सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो चंद्रदेव सिंह है जिनको की आ, यहाँ पर आ, ये अवार्ड सम्मानित किया गया है और अवार्ड का जो नाम है वो है ज्योति प्रकाश स्मृति रंग मित्र सम्मान दो तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिवू सोरेन की जीवनी पर किन तीन पुस्तकों का हाल ही में लोकार्पण किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और ये तीनों ही पुस्तक के यहाँ पर नाम देख सकते हैं डिसोम गुरु सिबू ये हिंदी में है ट्राइबल हीरो सिबू ये इंग्लिश में प्रकाशित की गई है और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक सिबू की गाथा ये कॉमिक्स के रूप में बच्चों के लिए प्रकाशित की गई है तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर 10 जनवरी 2021 को शहीद हजार इक्कीस की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर एक सौ अंठानवे जयंती मनाई गई है हाल ही में नीलांबर पीताम्बर की तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देशी पर्यटकों की आमद की संख्या के आधार पर देश भर में झारखंड राज्य कितने स्थान पर रहा है ठीक है तो देसी पर्यटकों की आमद की संख्या आने वालों की संख्या में के आधार पर देश भर में झारखंड कितने स्थान पर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पर्यटन के आने के मामले में ठीक है तो ये झारखंड राज्य नौवे स्थान पर रहा है अगला प्रश्न है यहां पर हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी भैया राम मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा एक सौ तीनवी जयंती मनाई गई है ठीक है एक सौ तीनवी जयंती जो है यहाँ पर मनाई गई है स्वतंत्रता सेनानी भैया राम मुंडा की तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड के किस जिले के साइबर ठगों पर अमेरिका रिसर्च करेगा तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो जामताड़ा ठीक है जामताड़ा जिले के जो साइबर ठग है उन पर अमेरिका रिसर्च करेगा तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जा, जामताड़ा के जो लोग हैं वो साइबर क्राइम में काफी यहाँ पर अभी फिलहाल वर्तमान में सक्रिय हैं अगला प्रश्न है यहाँ पर सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन की ओर से आ, हिंदी शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो ये है नम्रता श्री कौन है नम्रता श्री है जिनको की हिंदी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहां पर टाटा स्टील की ओर से दो दिवसीय युवा सम्मेलन धवनी का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया है तो इसका सही आंसर पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर धवनी का जो दो दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है तो गया। तो, is, बिल्कुल सही किया जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर नेशनल रैंकिंग आर्चरी चैंपियनशिप दो का आयोजन झारखंड के किस शहर में आयोजित की जाएगी ठीक है नेशनल रैंकिंग आर्चरी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन झारखंड के किस शहर में आयोजित की जाएगी तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा सराय किला में इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर किया जाएगा सराय किला में इसका आयोजन किया जाएगा अगला प्रश्न है शमशेर कप टी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियनशिप में कौन सी टीम चैंपियन बनी है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झारखंड एकादश की टीम चैंपियन बनी है कप टी क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड नई खेल नीति 2020 के अनुसार ओलंपिक में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि का पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा दो करोड़ रुपए राशि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को दिया जाएगा जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहां पर नई खेल नीति दो के अनुसार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी तो ये जो की जाएगी वो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार रांची में किया जाएगा कहां पर किया जाएगा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार रांची में इसकी स्थापना की जाएगी खेल विश्वविद्यालय की अगला प्रश्न है इको टूरिज्म फेस्टिवल के तहत इको रिट्रीट का आयोजन झारखंड के किस माह में आयोजन किया जाएगा तो इसका सही आंसर जो होगा पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो ये जो किया जाएगा वो फरवरी माह में किया जाएगा कब किया जाएगा फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाएगा अगला प्रश्न है दिवसीय जनजातीय चित्रकला कार्यशाला का समापन हाल ही में किस शहर में किया गया है तो झारखंड के किस शहर में ग्यारह दिवसीय जनजातीय चित्रकला कार्यशाला का समापन किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं रांची में किया गया है ठीक है अगर रांची में किया गया है यहाँ पर आयोजन किया गया है अगला प्रश्न है यहाँ पर आईआईटी दिल्ली ने झारखंड के किस विश्वविद्यालय को वर्चुअल लैब्स के लिए नोडल सेंटर के रूप में चयन किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर विश्वविद्यालय को उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को आईआईटी दिल्ली द्वारा ठीक है आईआईटी दिल्ली द्वारा झारखंड के उषा मार्टिन विश्वविद्यालय को वर्चुअल लैब्स के लिए नोडल सेंटर के रूप में चयन किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न यहां पर हाल ही में संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट में झारखंड के झारखंड से कौन उप विजेता बनी है तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो ये है ऐति मिश्रा कौन है ऐति मिश्रा है जो कि संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट में उप विजेता बनी है और ये झारखंड से है तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये थी यहाँ पर जनवरी मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन और ये पार्ट वन था एक पार्ट में और आएगी जो कि कंप्लीट हो जाएगी तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारी जानकारी पा सके महत्वपूर्ण करेंट एफ्रिक देख सके अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों